दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई प्रॉपर्टी के वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक 107 गज में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा हाउस। देखिए आपने हाउस तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज का जो हाउस है वो बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसमें जो बेडरूम है वो आपको 13x18 की डायमेंशन में मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ी साइज हो जाती है अगर 107 गज के हिसाब से देखें तो। और ये हाउस 40 फीट की रोड पे लोकेटेड है, जैसे आप सामने की तरफ देखेंगे तो बढ़िया प्रॉपर यहाँ पे रोड्स बनी हुई है। और यहाँ पे टोटल अपने पास 4 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट सोल्ड आउट है और 2 यूनिट यहाँ पे बची हुई है। एक कॉर्नर का हाउस यहाँ पे बचा हुआ है अभी, जो कि आपका 64 स्क्वायर यार्ड में और 52 उसकी रेट है। आप देखिए ये जो हाउस है अभी हम देखेंगे, ये आपका 107 गज में है, 19 का इसका फ्रंट है और 50 की इसकी डेप्थ है। काम आप इसमें आप देखेंगे एक बार ऊपर की तरफ, तो जो एलिवेशन है बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ बाउंड्री वॉल देखते हैं तो स्टोन फिनिश के साथ आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। और यहाँ कॉलोनी में आपको JDA से पानी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ रेम से आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको अराउंड 10x16 की डायमेंशन में मिलने वाला है आपका पोर्च एरिया, पार्किंग का एरिया, तो यहाँ आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं। साइड में कुछ बाइक्स वगैरह पार्क करनी हो आपको वो आप कर सकते हैं। कुछ ग्रीन जोन आपको यहाँ पे बनाना हो, गमले वगैरह रखे तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। और ये जो हाउस है आज का, ये जयपुर शहर में कनेक्ट करता है आपके मानसरोवर वैशाली नगर को, अजमेर रोड को। यहाँ से कमला नेहरू पुलिया आपका 200 फीट बाईपास बहुत ही नियरेस्ट है। और ये जो कॉलोनी है वो आपकी विधानसभा नगर के नाम से है। अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे जो काम किया गया है उसमें ग्रिल्स एंड ग्लास का यूज़ किया है, ताकि घर में जो नेचुरल लाइट है वो भी प्रॉपर बनी रहे। एंटर करते ही आपका लिविंग डाइनिंग एरिया आने वाला है, और जो डायमेंशन है इसकी वो है आपकी 16x18, काफ़ी बढ़िया डायमेंशन के साथ में आपको ये एरिया मिल जाता है। और इसमें आप देखिए एक वॉल को यहाँ पर डिजाइनर लुक दिया है वुडन फिनिश के साथ में, वुडन कलर के साथ ही यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया है। वुडन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए ऊपर की जो डिज़ाइंस है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंसीड लाइट एंड लैम्प लाइट का यूज़ किया है। वॉलपेपर का जो कलर है वो आपको मिल जाता है गोल्डन शेड के साथ में। और आपका जो ये लिविंग डाइनिंग एरिया है, इसमें आप देखेंगे सामने की तरफ से आपका स्टेयर्स है, नीचे की तरफ का पार्ट यहाँ पे आपके स्टोरेज के लिए तैयार किया है। और इस साइड में मिल जाता है आपको एक लगभग 8 फीट की विड्थ के साथ में बड़ा सा एक LED पैनल, जिसमें कि ऊपर की तरफ यहाँ बॉक्सेस दिए हैं, नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए जगह दी है। तो ये अपना लिविंग डाइनिंग एरिया। अब देखिए सामने की तरफ इसमें किचन है और बैक साइड और आपका बाथरूम है। पहले हम देख लेते हैं किचन, फिर ऊपर के फ्लोर पे भी चलेंगे। कंप्लीट आपको मैं हाउस का टूर कराने वाला हूँ। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में एक बार आप जरूर लिख दीजिएगा। पसंद आई आपको प्रॉपर्टी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ किचन के जस्ट साइड में ही आपको मिल जाता है अपना वॉश बेसिन एरिया, और किचन जो है वो यहाँ पे मिल रही है आपको 7x11 की डायमेंशन में, काफ़ी अच्छी साइज के साथ में ये देखिए। और काउंटर टॉप आपको यहाँ पे L-शेप में मिल जाता है। हिंडवेयर की आपकी यहाँ पे चिमनी है, वेंटिलेशन तो प्रॉपर सभी जगह मिलने वाला है। पोर्सलिन का जो काम है वो आपको यहाँ किचन में भी करके दिया जा रहा है। अब चलते हैं आपके बेडरूम की तरफ, तो यहाँ देखिए आपका जो बाथरूम है इसे एक कॉमन प्लस अटैच दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप बाथरूम का जो लुक है वो देख लीजिए किस तरीके का है। और यहाँ से आ जाइए आप अपने बेडरूम में, 13x18 की डायमेंशन में बहुत ही प्यारी साइज के साथ में। यहाँ आप अपना बेड लगाने के बाद भी इतनी जगह बच जाती है कि आराम से अपना कुछ यहाँ पे सेटअप और करना चाहे, सोफ़ा वगैरह लगाना चाहे, वो यहाँ पे पॉसिबल है। अब बेडरूम में आप देखेंगे तो स्टोरेज के लिए देखिए वार्डरोब आपकी सीलिंग हाइट तक दी है, साइड में आपकी स्टडी टेबल यहाँ पे बनाई है, और इस साइड में LED पैनल है तो आपको LED पैनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं बेडरूम में, हॉल के एरिया में। और अब इसमें जो बाथरूम कॉमन प्लस अटैच आपने देखा ही, यहाँ है आपका यूटिलिटी एरिया, और कूलर आप लगाना चाहे रूम में तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो साइज़ है ये आपको 5x8 की साइज़ मिल रही है,
और ऊपर की तरफ यहाँ से कटआउट जो है पूरी आपकी जो छत है वहाँ तक जा रही है, तो वेंटिलेशन तो हर जगह आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। दोस्तों हमने ये देखा आपका जो हाउस है उसका ग्राउंड फ्लोर। देखिए ऐसा ही कोई घर आप अगर परचेज करना चाहते हैं जयपुर शहर में, अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। ये प्रॉपर्टी JDA अप्रूव्ड है और इसका जो पट्टा है वो सेपरेट है, तो इसमें आपको क्या है कि अगर आप नेशनलाइज बैंक से भी लोन कराना चाहे तो वो इजीली आपको यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हम आए हैं ऊपर के फ्लोर पे और ये जो लॉबी एरिया है इसमें आप देखेंगे तो 11x16 की डायमेंशन में आपका ये लॉबी एरिया, और इसमें जो काम किया गया है वो आप एक बार देखिए किस तरीके का है। एक बेडरूम पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ है। 3 BHK का ये हाउस है और इसकी जो आस्किंग है वो 72 लाख है। 72 लाख रुपए में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ बढ़िया सा यहाँ पे सीन लेयर आपको मिल जाता है, और आपका फिर से एक बढ़िया सा 13x18 की डायमेंशन में आपका एक बेडरूम, वार्डरोब आपकी LED पैनल दोनों यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर की डिज़ाइंस देखेंगे तो ये थोड़ी अलग मिलने वाली है आपकी। वॉल पे फिर से आपको वही एक डिजाइनर लुक दिया गया है। अटैच्ड आपका बाथरूम, एक बार बाथरूम आप देख लीजिए। अब बारी है आपके लास्ट बेडरूम की जो कि कनेक्ट करता है आपकी बालकनी को, और ये जो बेडरूम है ये आपका 10x17 की डायमेंशन में है। और इस बेडरूम में भी आप देखेंगे तो देखिए बढ़िया सी यहाँ पे एक टेबल अरेंज की है, फर्नीचर वर्क काफ़ी बढ़िया है, वुडन की है यहाँ पे वार्डरोब, बाकी स्पोर्ट्सलिंग का काम है आपका वॉलपेपर का वो यहाँ भी मिल रहा है, LED पैनल आपको यहाँ भी तैयार करके दिया जा रहा है। तो तीनों ही बेडरूम में आपको LED पैनल्स मिल जाते हैं, वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है और बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ भी अटैच बाथरूम है, तीनों ही रूम में आपको अटैच बाथ मिल रहे हैं। अब देखिए बालकनी का जो साइज है वो भी बहुत प्यारा है, लगभग 7x12 की साइज में आपका ये बालकनी एरिया है। और इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ एक बार जैसे यहाँ पे बढ़िया से लाइटिंग का काम किया गया है, वुडन फिनिश के साथ में आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे सामने की तरफ तो देखिए एक बार अभी बारिश हो रही है और आसपास जैसे मकान जो है बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। हाउस के सामने 40 फीट रोड है। तो उम्मीद है आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।